बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी थ्योरी होती है, बहुत सारे कीवर्ड, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वी फील लाइक इतना रिटेन कैसे होगा, इतना याद कैसे होगा, हम लोग कैसे माइंड में इतनी सारी चीजों को ग्रैब अप करेंगे। तो भैया कुछ बता दो यार, तो हाउ आई स्कोर 200 इन बिजनेस स्टडीज इन CUET एंड 98 इन बोर्ड्स। सो फर्स्टली आई विल टेल यू कि हाउ आई स्कोर्ड एंड देन आई विल टेल यू कि हाउ यू कैन ऑल्सो स्कोर। सो इस वीडियो में ये सारे कुछ टॉपिक्स जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे कवर हो रहे होंगे, इंक्लूडिंग मेरी खुद की जर्नी से लेकर के कि तुम्हें अभी एनालिसिस कैसे करना, एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पढ़नी है, टीचर्स कौन से चाहिए, कीवर्ड थ्योरी याद कैसे होंगे, केस स्टडी कैसे करना है, देन मॉक्स, देन रोड मैप, सभी चीजें कवर होंगी। सो यार 31 मार्च वाज द डे जब मेरा लास्ट एग्जाम था बोर्ड्स का, एंड आई वाज लाइक कि अब तो अपन करेंगे चिल, बहुत हसल के बहुत रग रहे, अब थोड़ा सा चिल करना है। और कब 2 वीक गए यार पता भी नहीं चला, एकदम एक आइडिया नहीं लगा कब 2 वीक्स बीत गए, और वो एक फन बदल गया कब रिग्रेट में पता ही नहीं चला कभी। आई वाज लाइक कि यार ये कब हुआ यार, अभी तो जस्ट 31 मार्च खत्म हुआ था यार, अचानक से इतने जल्दी तो यार गर्लफ्रेंड भी नहीं जाते जितने जल्दी हमारा 2 वीक चला गया भाई। सो अभी आई वॉज लाइक कि अब क्या करना है, अब कैसे सारी चीजों को सही करना है। I was like कि भाई थ्योरी कैसे करें, रिटेन कैसे करना है, कैसे होगी सारी चीजें यार। फिर से आई डिड द सेम मिस्टेक विच आई डिड इन बोर्ड्स, CUET में तो नहीं करना था ना यार, बोर्ड्स में हो गई थी। फिर मैंने क्या करा, तो मैंने क्या करा जानने से पहले तुम लोग एक नोटबुक लाओ, चुपचाप सारी चीजें नोट डाउन करो, ये जो एज अ वीडियो तुम देखते रहते हो ना फन के लिए, बंद करो ये देखना, चुपचाप नोटबुक लाओ और फिर देखो आगे। सो फिर फर्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज कि एक नोटबुक लिया, उस पर 3 लाइन खींची, सबसे पहले जो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हो रखा है, देन जो मीडियम है हाँ ठीक है थोड़ा सा रिवाइज, देन थर्ड जो बिल्कुल ही नहीं हुआ है, तीनों को कैटेगराइज किया। बहुत सारे चैप्टर थे, लाइक दूसरा चैप्टर जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग या मार्केटिंग मैनेजमेंट, या फिर बहुत सारे जो भी चैप्टर्स है सबको डिवाइड करा कि हाँ ये चैप्टर में इतना टाइम लगेगा, बेसिकली डिवाइड कर अच्छे से एनालाइज कर लिया कि हाँ इस चैप्टर में इतना टाइम लगना है, इस चैप्टर में इतना टाइम लगना है, किसी में 1 दिन, किसी में 2 दिन, किसी में 1 घंटा, किसी में 1.5 घंटा, ऐसा करके डिवाइड करा। फर्स्ट थिंग ये करना सबसे नेसेसरी है, क्योंकि यार मे भी ऐसा हो सकता है कि तुम लोग स्टार्ट करने जा रहे हो डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग आउट कि तुम किस लेवल पे स्टैंड करते हो। इट इज़ लाइक कि भाई तुम्हें ये पता ही नहीं है तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है और तुम कहाँ स्टैंड करते हो, जब तक तुम ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट नहीं करोगे तुम कैसे एक पाथवे ढूंढ सकते हो यार। तो फर्स्ट फाइनलाइज करो, डिसाइड करो कि तुम अभी स्टैंड कहाँ करते हो। फाइनल पॉइंट ऑब्वियसली तुम्हें पता है CUET में अच्छा स्कोर करने के लिए सिलेबस कवर करना है और अच्छे से रिवाइज करना है। सो एनालाइज करो, तीनों कैटेगरी में डिवाइड करो, ईजी, मीडियम, हार्ड। ईजी में जो बहुत अच्छे से हो रखा है, मीडियम जो हाँ ठीक है थोड़ा सा रिवाइज करना, हार्ड जो तुम्हें मतलब ऐसे चैप्टर से, लाइक मेरे लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट था यार पर्सनली बहुत गंदा चैप्टर लगता था मेरे को, तो ऐसे डिवाइड कर लो। देन उसके साइड में लिख लो कि हाँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 2 घंटा, ऐसे करके टाइम डिवाइड कर लो, और मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसा चैप्टर 1 दिन। सो ऐसे मैंने करा। देन उसके बाद मेरा जो सेकेंड स्टेप था कि NCERT पढ़ना है या नहीं, द बिगेस्ट क्वेश्चन कि हो पाएगा क्या इतने कम टाइम फ्रेम में, 30 या 40 डेज बचे थे, हो पाएगा NCERT या। देन आई वॉज लाइक कि देखो YouTube से अगर करते हैं तो एक वो रहेगा कि पूरा कॉन्सेप्ट कवर हुआ नहीं हुआ, एक वो रहेगा कि यार पूरा हो पाया नहीं हो पाया। देन आई वॉज लाइक भाड़ में जाए सब, NCERT पे करते हैं, एटलीस्ट सियोरिटी तो होगा ना भाई कि पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर रखे हैं। एंड NTA की एक चीज़ हमेशा याद रखो, NTA always follows NCERT. It doesn't matter कि TS, बाकी हमारे जो भी बुक्स होते हैं रेफरेंस वाले उसमें क्या लिखा है, इट doesn't matter. The only thing which matters for NTA is कि NCERT में क्या लिखा है। सो NCERT पढ़ना स्टार्ट करा, एंड मेरे को जितना याद है यार पर्सनली फर्स्ट चैप्टर में मेरे को 1 घंटा लगता था मैक्स टू मैक्स रिवाइज करने में, वो भी फर्स्ट टाइम। सेकेंड चैप्टर यार वही आधा 1 घंटा लगता, बहुत कम टाइम लगता था क्योंकि आई वॉज इन जब बोर्ड्स का टाइम था 2-3 बार हो रखा था और मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे, और मेरे पास अभी भी पड़े हैं BST के कुछ शॉर्ट नोट्स CUET वाले, विच आई विल लाइक गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से तुम लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो और खुद का बना लेना। ऐसा बहुत प्रिसाइज नोट्स है तो मे बी उतना रेलिवेंट नहीं हो तुम्हारे लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। सो सेकेंड थिंग बस कि NCERT पढ़ना है, अगर कन्फ्यूज़न है भी तो NCERT मैंने पढ़ा था। देन थर्ड थिंग, टीचर्स कौन से फॉलो करने हैं, और वन शॉट देखना है या फिर फुल वीडियो लेक्चर देखना है। आई वॉज लाइक कि देखो जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है उसका वन शॉट देख लो, और जो मेजरली आई वॉज लाइक मोर ऑफ ए किड जो कि सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट था, तो आई वॉज मोर ऑफ लाइक कि NCERT पर, और मेरे पास ऑलरेडी नोट्स थे तो नोट्स से ही काम हो रहा था मेरा अच्छे से बहुत तगड़े लेवल पे, क्योंकि मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड थे। सो वो सारी चीज़ें थी।
तो टीचर्स का भी मेरा सॉर्टेड ही था कि टीचर से जो कॉन्सेप्ट नहीं हो रहे मेजरली रिवीजन के लिए, बस क्वेश्चंस देख लेना है थोड़ा, या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है वो देखना है। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आई वॉज लाइक कि बुक्स हो गए, एनालिसिस कर लिया और टीचर्स भी डिसाइड कर लिए, तो अब सिंपल चीज़ करना है, एक स्ट्रैटेजी बनाओ और रिवाइज करो। क्या थी मेरी स्ट्रैटेजी? मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल सी थी कि डिवाइड तो अपन ने पहले ही कर लिया किस चैप्टर में कितना टाइम लगने वाला है। उसके बाद आई वॉज लाइक कि ठीक है, एक काम करेंगे, जो बोर्ड्स में गलती करी है कि रिविज़न नहीं करने की, वो यहाँ नहीं करेंगे, दो चैप्टर करेंगे, दो चैप्टर करने के बाद मस्त रिवाइज करते हैं आराम से, तीन चैप्टर, पूरा पीछे का भी कवर अप होगा, आगे भी कवर अप होते रहेगा। तो वही हुआ कि लाइक हर दो से तीन दिन में मेरा रिवीजन चल रहा था, एंड इट वाज लाइक कि तीन चैप्टर हो गए, पहले तीन करो फिर फोर्थ करो, छह चैप्टर हो गए, पूरे छह चैप्टर को रिवाइज करो फिर सेवेंथ करो। और साथ में एक और चीज़, चैप्टर वाइज मॉक लगाना, मत भूलना एट एनी कॉस्ट, चैप्टर वाइज मॉक्स लगाओ आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर। उसके बाद वीकली आई यूज टू गिव टेस्ट, पूरा होल टेस्ट, लाइक पहले तो मैंने दिया था कि सो डैट कि मुझे पता चले कि किस लेवल पे आई एम स्टैंडिंग। और उसके बाद जब वो सारी चीज़ें हो गई तो आई वाज लाइक कि रिवीजन करते हैं एंड वीकली अच्छे खासे मॉक्स देते हैं। तो वही सारी चीज़ें चल रही थी और इसी वे में सारा प्रोसीजर फॉलो हुआ। और फिर अराउंड 10 to 15 days में मेरा पूरा BST का सिलेबस ख़त्म हो गया था फिर से। तो उसके बाद मोर ऑफ लाइक कि एक दिन में ही मेरा पूरा हो जाता था, मे बी तुम लोगों को लगे, बट BST वॉज वन सब्जेक्ट जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था। तो वही चीज़ें हो रही थी। देन 12th मई वॉज द डेट जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में भाई BST में 98 देख के आई वॉज लाइक कि भाई सबसे ज़्यादा इसी में स्कोर है, बहुत ज़्यादा उस वो दिन बहुत हैपनिंग था मेरे लिए। उसके बाद हुआ ये कि एंड वन मोर थिंग कि वो जो 12th मई वाली खुशी थी ऑफ बिकमिंग ए डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन स्कोरिंग 96.2, वो बहुत ज़्यादा इमेंस फीलिंग थी, उसको अपन किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो उसी चक्कर में एक वीक मेरा उसमें निकल गया। देन 27th को मेरा एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस यार बहुत बेसिक सा था, उतना कुछ हैवी था नहीं, बहुत ईजी सा रहता है एग्ज़ाम, कुछ ऐसा टफ नहीं, प्रेशर मतलब ईजी कर। सो स्टोरी हो गई, अब तुम्हें क्या करना है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि तुम्हारे पेपर और स्कोर कार्ड में 200/200 लिखा आ रहा हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, एनालिसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस, बहुत 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 ज़्यादा। हम लोग बहुत ज़्यादा इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार स्टार्ट करते हैं ना डायरेक्टली, नहीं, फर्स्ट फिगर आउट कौन से चैप्टर तुम अभी भी रिटेन कर पा रहे हो, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें तुम्हें अभी प्रॉब्लम आ रहा है, और कौन से चैप्टर ऐसे जो तुम्हें अच्छे से करने हैं। पहले ये एक शीट बना लेना जो मैंने पहले बताया, उसको देख के एक शीट बना लेना। देन सेकेंड थिंग, NCERT पढ़ना है या नहीं, फर्स्ट द फोरमोस्ट थिंग, NCERT इज द गॉड, NCERT इज द गॉड फॉर बोर्ड्स एज वेल एज CUET। भाई कीवर्ड्स ले लो या कुछ भी ले लो, हर एक चीज़ NCERT में कवर्ड होती है, लाइन बाई लाइन NCERT पढ़ना मत भूलना, NCERT अच्छे से कवर करो और उसके नोट्स भी बना लेना, सो दैट कि बाद बार बार NCERT ना पढ़ना पड़े। कीवर्ड्स लिख लेना नोटबुक में, एक नोटबुक सेपरेटली बना लेना। आई विल ऑल्सो गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मेरा खुद का नोट्स जो था बोर्ड्स वाले अलग थे और CUET वाले अलग थे, CUET वाले में बस कीवर्ड्स मेजरली लिखा हुआ था। तो दोनों का आई विल ट्राई टू गिव, क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो वो चीज़ है। सो नोट्स बना लेना। और इसके बाद पॉइंट आता है कि भैया NCERT पढ़ने का टाइम है क्या हमारे पास, अभी हो पाएगा? 30 days है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जनरल टेस्ट। भाई देखो सिंपल सी चीज़ है भाई, इसका सिंपल सा आंसर यही है, अगर नहीं पढ़ा तो रिग्रेट बहुत होने वाला है। लक हर बार काम नहीं आता है भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मे भी बोले कि NCERT बिना पढ़े हो जाता है, बट आई एम द वन जिसने NCERT अच्छे से कवर करा था और 1% की प्रॉब्लम नहीं हुई भाई, 20 मिनट में मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। सो NCERT गिव्स यू डैट यू नो एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योरसेल्फ, और एक एक्स्ट्रा पोर्शन दे देता है कि हाँ तुम इजीली फाड़ लोगे। सो सिंपल सा चीज़ है, NCERT करना है एट एनी कॉस्ट। और भाई बिलीव में यार कितने पेजेस होते हैं यार, इजिली तुम 20 दिन लगाओगे NCERT इजिली कवर अप हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से। बट कीप इन माइंड जो मैंने तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी बताई थी, तुम उसको लिखो और उसी वे में फॉलो करो, ये चीज़ हो गई। देन टीचर्स, बहुत सारे लोग होते हैं कि यार YouTube से भैया पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, वन शॉट करे पूरा लेक्चर देखे, ये बहुत मेजर कन्फ्यूज़न है। लेट मी क्लियर इट। सबसे पहला चीज़, YouTube से वो टॉपिक्स कवर करो
जो कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है सेल्फ स्टडी या रीडिंग से, और यार फुल लेक्चर देखने का कोई सेंस नहीं बनता है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन चैप्टर्स के जो ऑलरेडी तुमने कवर कर रखे, सिर्फ उनके देखो जो तुम्हारे माइंड में अभी है नहीं, एकदम ही 100% स्लिप हो गया है उन चैप्टर्स के बस देखो। और टीचर्स विच यू कैन फॉलो इज, मैंने तो भाई पर्सनली भाई सुनील पांडा सर से अच्छा बिजनेस स्टडीज़ के लिए मेरे अकॉर्डिंग कोई नहीं है, बट यू मे प्रेफर रजत अरोरा सर या फिर और भी कुछ सक्षम कात्याल सर, हेडमास्टर सक्षम कात्याल सर, उनका भी तुम देख सकते हो। ये कुछ टीचर्स हैं जो कि बिजनेस स्टडीज़ अच्छे से पढ़ाते हैं, और टीचर्स की भी हो गई बात। अब यार बात करते हैं कि आगे तुम्हें और क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर, जैसे कि इसमें कीवर्ड्स होते हैं बहुत सारे और थ्योरी होता है, केस स्टडी होता है, कैसे करना है। तो सिंपल सा चीज़ इतना याद रखो भाई, रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिवीजन नहीं करोगे बीएसटी रिटेन नहीं रहेगा। व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड टू कनेक्ट द एग्जांपल्स विद माय रियल लाइफ से कनेक्ट करो, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोई चैप्टर है या फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ लेट्स से कि कोई एक सुपरमार्ट ओपन हो रहा है, तो सबसे पहले वो लोग प्लान करेंगे कि हाँ ऐसे 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 करना है, देन ऑर्गेनाइज करेंगे रिसोर्सेज कहाँ से उठाने हैं, देन स्टाफिंग करेंगे, हायरिंग करेंगे लोगों के, देन उसके बाद डायरेक्टिंग करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे चीज़ों को, देन लास्ट में कंट्रोलिंग करेंगे। सो इस वे में थोड़ा सा कनेक्ट करो, टाइम कम है, सो आई विल नॉट से इतना डीप घुसो, बट एनसीईआरटी अच्छे से रीड करो और कंटिन्यूसली रिवाइज करो। रिवीजन नोट्स के थ्रू ही करना, बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, इतना भी टाइम नहीं है। एक बार कवर अप करो, नोट्स बनाओ, कीवर्ड्स लिखो और उसको करो। भाई केस स्टडी कैसे करना, भाई केस स्टडी इज वेरी 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 सिंपल थिंग। अगर तुम कीवर्ड्स को अपने माइंड में स्टिक कर लेते हो, अगर कीवर्ड्स तुम्हारे माइंड में बैठ चुके हैं, केस स्टडी इज नथिंग भाई, बहुत इजी चीज़ होता है केस स्टडी भाई। लिटरली मेरा केस स्टडी जो था उसमें एकदम टू द पॉइंट आंसर्स भाई, लाइक तुम्हें कोऑर्डिनेशन वाला दे देंगे, फिर पूछेंगे कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, फिर एक थ्रेड करके एक कोऑर्डिनेशन में पॉइंट होता है वो मतलब किस चीज से कनेक्ट है, ऐसे डायरेक्टली कीवर्ड से पूछते हैं तुम्हें, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे करके पूछेंगे। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है भाई, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। कीवर्ड्स कभी भी मत छोड़ना है, टैनी कॉस्ट कीवर्ड मत छोड़ना। सो इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मॉक्स कैसे करने हैं, मॉक्स कैसे होगा, सिंपल सा चीज़ है यार, बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल है। और लास्ट ईयर भाई सुनील पांडा सर के मॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आए थे एग्जाम में, तुम उनके भी मॉक्स प्रेफर कर सकते हो, या फिर बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स है जो कि मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस PYQ भी तुम लोग देख सकते हो, PYQs कवर कर सकते हो। अगर मेरे को कोई फ्री प्लेटफॉर्म मिलता है, आई विल मेक श्योर कि उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन हो, सो डैट कि तुम लोग फ्री में एक्सेस कर पाओ। सो वो चीज़ है। और मॉक्स में एक चीज़ हमेशा याद रखना, सेम इन्वायरमेंट में मॉक देना, और हाँ तुम उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बट मेक श्योर करो कि तुम 50 भी अटेम्प्ट करो। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि भाई तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये मत रख रहा कि मेरे को 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बस तुम भाई 50 के 50 अटेम्प्ट करो, सो डैट कि तुम ज़्यादा क्वेश्चन सीख पाओ, तुम पूरा कॉन्सेप्ट कवर अप कर पाओ। और एक चीज़ यार, उस सेम इन्वायरमेंट में मॉक देना विथ अ माइंड सेट कि ये तुम्हारा रियल एग्ज़ाम है, क्योंकि जब तुम 50-100 मॉक्स लगा लोगे ना भाई इन विथ अ माइंड सेट जहाँ पे तुम एज ए एग्ज़ाम इन्वायरमेंट पे दे रहे हो, तब तुम एग्ज़ाम में यू विल फील लाइक कि ये तो मेरा नॉर्मल मॉक है। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना, इफ़ यू विल गिव एग्जाम मॉक्स इन द एग्ज़ाम इन्वायरमेंट, देन इन एग्ज़ाम यू विल फील लाइक गिविंग अ मॉक। सो सिंपल चीज़ है बट बहुत इफेक्टिव है। सो इस चीज़ को भी फॉलो करना। और रोड मैप कैसे बनाना चाहिए तुम्हें, अभी जो तुम्हें कंसिडर करना है, आई विल नॉट गिव यू अ रोड मैप। हाँ तुम लोग अगर कमेंट करते हो ज़्यादा कि चाहिए चाहिए चाहिए, मे बी प्रोवाइड कर दे, बट मेरे अकॉर्डिंग तुम खुद बनाओगे वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। सिंपल चीज़ कंसिडर ओनली सिंपल थिंग कि सिंपल चीज़ों पे बात करते हैं। सिंपल चीज़ करना ये एनालाइज करो कितनी चीज़ें तुमने करी और कितनी चीज़ें अच्छे से करनी बाकी, वही तीन चीज़ वाला, ईजी मीडियम हार्ड डिवाइड करो। चैप्टर्स इतने तुम्हारे तो क्लियर होंगे भाई कि कितना टाइम लगने वाला है कौन से चैप्टर में, उतना तो माइंड सेट होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं है तो भाई एक चीज़ एक्सेप्ट करो कि यू आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन, तुम्हें बहुत तगड़े लेवल पे घसना है, इतना याद रखना। मे बी हार्स लगे बट इट इज़ अ ट्रूथ। सो सिंपली ये तीन चीज़ डिवाइड करो, टाइम लिखो और उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ करना, टाइम तुमने लिख लिया, अब ये डिवाइड कर लो इधर चैप्टर वाइज और डे वाइज कि मेरे को हर 3 दिन पे रिवाइज करना है या मेरे को हर 3 चैप्टर के बाद रिवाइज करना है। मेरा पर्सनली था कि मेरे को हर 3 चैप्टर के बाद रिवाइज करना था। ये चीज़ करो, हर संडे तुम्हें बैठना है
या फिर हर 6 चैप्टर या कुछ ऐसे नंबर्स ले लो या फिर डेज ले लो। इसके बाद तुम्हें पूरा रिवाइज करना है, मॉक्स लगाने, फुल मॉक्स लगाने। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो उसके बाद तुम उस चैप्टर के स्पेसिफिकली मॉक्स जरूर लगाओ। सो इस वे में यू कैन क्रिएट योर रोड मैप। और हमेशा अपने आप पे वो चीज़ जरूर रखना, अपने आप का एनालिसिस जरूर करना थ्रू मॉक्स, कितना इंप्रूव कर रहे हो, कितने सारे टॉपिक्स पे वर्क करना है। और मॉक करने के बाद हमेशा एनालाइज करना उसको कि हाँ भाई ये गलती हुई है, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको सही करना है, इसको और ज़्यादा बेटर करना है। ये चीज़ें करो और इस वे में रोड मैप क्रिएट करो। और मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। मे बी अगर कुछ छूट गया हो कॉमेंट इट डाउन, आई विल कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, सारी चीज़ों को नोट डाउन किए होंगे आई होप सो, और अच्छे से लिखे होंगे। और फॉलो करो, शेड्यूल बनाओ, फाड़ दो 200 by 200, नॉट अ बिग टास्क। सी या, मिलते हैं अपने।